एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुनिधि आर्य एंड आई टीच इकोनॉमिक्स ऑन दिस चैनल। फिलहाल हम इस चैनल पे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम कैलकुलस को पढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को पढ़ा। आई होप आपको इंटीग्रल का जो भी एप्लीकेशन है इकोनॉमिक्स में वो समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो से हम बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये जो टॉपिक है कैलकुलस का ही टॉपिक है, और डिफरेंशियल कैलकुलस को अच्छे से करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे कमांड होना जरूरी है। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पढ़ा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उसको देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो पाएगा। ऑनेस्टली आप नहीं उसको टैकल कर पाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, अगर आपको इंटीग्रेशन की टेक्निक्स नहीं आती हैं, डिफरेंशियल के बेसिक्स नहीं पता हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी भी कोर्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स या फिर माइक्रो मैक्रो, इससे रिलेटेड कोई भी कोर्स देखना चाहते हैं, और अगर आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारे पास आपके लिए एक्सक्लूसिव कोर्सेज हैं। इग्नू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए BCC 102, 104, MEC 101, 103, मैथ्स, माइक्रो, जितना भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो सब हमने अपने ऐप पर कवर किया हुआ है। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप और भी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हमको समझना है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर है, छोटा सा टॉपिक है जितना हमको इकोनॉमिक्स का उसमें पढ़ना है। 10-12 लेक्चर्स में आई थिंक ये पूरा निमट जाना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हमको समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, जैसे कि नाम में ही बता है कि अगर इक्वेशन है तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी होगी। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं इक्वालिटी होगी। बताया मैंने आपको डिफरेंस, बताया फंक्शन और इक्वेशंस में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन बताया तो इसका मतलब है कि समवेयर इसका कैलकुलस से कुछ लेना देना है और कोई ना कोई इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी होगा। ठीक है, तो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा हमारा डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है? ये हमारी तीनों चीजें हैं। अब देखिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा और डेरिवेटिव मिलेगा ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि dy by dx। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं वो होते हैं, साथ में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, केवल एक ही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशियल निकालना होता है। ठीक है, केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो वो हमारी ऑर्डिनरी हो जाएगी। और अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो जब हमारे एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, यानी कि जब इस वेरिएबल को एक या एक से ज्यादा वेरिएबल इन्फ्लुएंस करेंगे। ऑर्डिनरी में क्या होगा? एक वेरिएबल होगा जो कि उसको इन्फ्लुएंस करेगा। पार्शियल में क्या होगा? एक से ज्यादा वेरिएबल जो है इसको इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें हमको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि हमेशा dy by dx देखने को मिलेगा। और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे उसमें हमको पार्शियल डेरिवेटिव्स देखने को मिलेंगे। डेल्टा y / डेल्टा x पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, अब हमको समझने हैं दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के। इन कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो है एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के। व्हाट इज दिस? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने क्या बोला था डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशंस में यू गाइस हैव टू टेक द डेरिवेटिव, यानी कि आपका डेरिवेटिव होगा किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डीवाई ओवर डीएक्स होगा, डीवाई ओवर डीएक्स देखिए हर जगह अवेलेबल है, और उसके साथ में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। देखिए, इसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है
या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारा रिलेशन हमको पता चलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझना है वो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे समझ सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले हमको जानना है कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर मैंने आपको क्या बताया, ऑर्डर मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको कैलकुलस पढ़ाया था, मैंने आपको डेरिवेटिव पढ़ाया था, तो मैंने उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ाया था, उसमें मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ाया था। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से क्या मतलब था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से यह मतलब था कि उस फंक्शन को हमने एक बार डेरिवेट किया, यानी कि उस फंक्शन को हमने एक बार डेरिवेट किया। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से क्या मतलब है कि उस फंक्शन को हमने दो बार डेरिवेट किया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जितनी बार भी हम उस फंक्शन को डेरिवेट कर रहे थे वो उतनी ही बार जो है हमारा उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव बन रहा था। अगर मुझको करना है एन टाइम डेरिवेटिव तो डी एन वाई अपॉन डी एन स्क्वायर, ठीक है। तो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पूरी इक्वेशन में जितनी बार मैक्सिमम टाइम फंक्शन डेरिवेट हुआ है उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। यानी कि वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेवन्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, जितने भी ऑर्डर डेरिवेटिव हैं, जितने भी ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इनमें देखते हैं ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है इस इक्वेशन का, कितने बार डेरिवेट हुआ है मैक्सिमम एक बार, तो ऑर्डर क्या हो गया वन। देखिए इसमें dy by dx जो है वो सिंगल नहीं है, यानी कि उसके मल्टीप्लाई में ये भी है। तो पहले हम क्या करेंगे इसको, dy by dx is equal to x minus y upon x plus y। अब बताइए इसका ऑर्डर क्या है इस इक्वेशन का, एक बार डेरिवेट हुआ है, कितनी बार डेरिवेट हुआ है मैक्सिमम दो बार डेरिवेट हुआ है, और देखिए यहाँ पे दोनों है, तीन बार डेरिवेटिव भी है और एक बार डेरिवेटिव भी है, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो जब तीन बार डेरिवेटिव है उसमें क्या है, कितना है हमारा ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो गया हमारा, ऑर्डर हो गया थ्री, ठीक है। ये मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल लिख के दिखा दिया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे हम बनाते हैं। अब देखिए जो डिग्री का कॉन्सेप्ट है ना, ऑर्डर तो इजी है, ऑर्डर आप इजीली पता लगा लोगे, जितनी बार हाईएस्ट बार डेरिवेटिव हुआ है उतना ही उसका ऑर्डर है, ऑर्डर आप इजीली पता लगा सकते हैं, ऑर्डर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन इजीली फाइंड आउट द ऑर्डर। बट डिग्री को फाइंड आउट करना है ना इतना आसान नहीं है, डिग्री को फाइंड आउट करना इतना आसान क्यों नहीं है, देखिए दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी डिग्री को फाइंड आउट करने से पहले। सबसे पहले तो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशंस को लिख पाना पॉसिबल होना चाहिए। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि अगर हम इस तरीके से लिख पा रहे हैं तो हम इसको डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी फंक्शन को पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो डिग्री नहीं लिख सकते हैं। दूसरा जो हमारे कुछ भी ना उसमें देयर शुड नॉट बी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक से मतलब क्या, जैसे कि डीवाई बाई डी एक्स है, तो डीवाई बाई डी एक्स जो है वो यहाँ पे हमने देखिए अलग अलग डीवाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, लेकिन साइन जो हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो साइन डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, साइन डीवाई बाई डी एक्स कुछ नहीं होता है। देखिए साइन एक्स हो सकता है, साइन वाई हो सकता है, लेकिन साइन डीवाई बाई डी एक्स नहीं होता है। तो अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी एक ऐसी टर्म आ जाए जो कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में फिट नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। उसको छोड़ने की क्या मतलब है, उसमें हम क्या कर देंगे, उस केस में हम लिख देंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिग्री कभी भी जीरो नहीं होगी, डिग्री विल नॉट बी जीरो, डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड, यानी कि उसकी डिग्री हम पता ही नहीं लगा सकते हैं। तीसरा जो है डिग्री ना रेडिकल्स और पावर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, रेडिकल्स और पावर में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि डिग्री जो है वो हमेशा नंबर होना चाहिए, जैसे कि वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, जैसे कि हमारा ऑर्डर हमेशा एक नंबर होगा ना, ऑर्डर क्या होगा, हमेशा एक नंबर होगा। 1.5 ऑर्डर का डेरिवेटिव तो नहीं कर सकते ना, या तो हम फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कर सकते हैं या फिर हम सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव कर सकते हैं, हम 2.5 ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से डिग्री भी रेडिकल और पावर फ्री होनी चाहिए, और अगर ये कंडीशन नहीं है रेडिकल एंड पावर फ्री तो हम डिग्री नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, उस केस में हमारी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अब ये समझिए आप लोग कि डिग्री होती क्या है। देखिए जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है उसकी पावर ही डिग्री है। क्या है डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर डिग्री है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमको क्या करना है,
इसमें डिग्री देखना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 1। इसकी डिग्री कितनी है? 1। पावर कितनी है? 1। इसमें हमारी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 2, लेकिन उसकी भी पावर कितनी है? 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 1। अब देखिए, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है और उसकी पावर 2 है। यहाँ पे बच्चे बोलेंगे कि जो मैक्सिमम पावर है इक्वेशन में वो तो 4 है, लेकिन हमको क्या करना है? मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर डिग्री है, तो इसमें क्या हो जाएगी? डिग्री 2। थोड़े से और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें से हमको ऑर्डर और डिग्री का पता लगाना है। तो देखिए, ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 3। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है, की पावर कितनी है? 1, तो डिग्री क्या हो गई? 1। इसमें हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें हमारा कितना है? 3। डिग्री कितनी है? 2। पावर कितनी है? 2। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी डिग्री होती है वो रेडिकल और फ्रैक्शन फ्री होनी चाहिए, लेकिन उसमें पावर जो है वो फ्रैक्शन फ्री होनी चाहिए। यहाँ पे जो पावर है वो तो 3/2 है, तो इसमें तो हम डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पावर फ्रैक्शन है। लेकिन अगर थोड़ा भी मैनिपुलेशन करके अगर डिग्री को कैलकुलेट करना पॉसिबल है तो हमको मैनिपुलेशन कर लेना चाहिए। देखिए, 3/2 है, अगर हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल 3 हो जाएगा। 3 क्या है? हमारा होल नंबर है। तो कर दीजिए, पूरी इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर, पूरी इक्वेशन का क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। 3/2 इंटू 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर d2y/dx² का स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? यहाँ पे 3 बच गया। तो क्या आ गई हमारी इक्वेशन? 1+dy/dx का स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू के स्क्वायर d2y/dx² का स्क्वायर। देखिए, अब कोई भी रेडिकल और फ्रैक्शन नहीं है ना, सारी हमारे होल नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं? ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्डर क्या है? 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 2, तो डिग्री क्या हो गई? 2। ये देखिए, लेकिन ये हमारे इसमें कुछ हमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अरेंजमेंट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि dy/dx फॉर्म में गिवन नहीं है, लेकिन dy/dx गिवन है तो हम निकाल सकते हैं। -2xy dy = -x² + y² dx। ठीक है, तो dy/dx क्या आ गया? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x² + y² / 2xy। ठीक है, अब इसमें क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? ऑर्डर कितना है? 1, 1। इसकी पावर कितनी है? 1, तो डिग्री कितनी होगी? 1। अब देखिए, ये जो केस है sin dy/dx कुछ होता है, हम इसको पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में ना कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया इसमें? ऑर्डर तो 2 हो गया और डिग्री हो गया नॉट डिफाइंड। सेम वे e की पावर dy/dx भी कुछ नहीं होता है। e की पावर अगर dy/dx है तो हम क्या कर सकते हैं उसको? उसको हम नॉर्मल पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नॉर्मल पॉलीनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसमें ऑर्डर तो 5 हो गया और डिग्री नॉट डिफाइंड हो गई। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।